लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तू फिर आ गए यहाँ पर? खामोश गुस्ताख लड़की, महाराज के सामने जबान लड़ाने का मतलब समझती हो? मौत! अरे देखो, हमारी कार को कोई चोरी कर रहा है। तो बाहर निकल, निकल बोलना, निकल। अबे कौन है, कौन है? चल मेरी मणि, हो जाएगा ये। जब ये चीज इसे गायब कर सकती है तो मुझे भी तो गायब कर सकती है। पापा, गायब, गायब कर दे मुझे। खैर, फिलहाल इसके मस्तिष्क से मणि की बात को भुला देना ही ठीक होगा। शक्तिमान तुम? हाँ मैं। लाओ वो मणि मुझे लौटा दो। मणि? कौन सी मणि? हमारी कार को जिसने गायब किया था वो वही आदमी है जिसे मैंने और मामू ने आसमान में उड़ते हुए देखा था। कौन हो सकता है वो? कहीं वो मणि से शक्ति पाकर विनाश लीला शुरू न कर दे। इस मणि के अंदर कौन कौन सी ताकतें छिपी हैं? मुझे सबके बारे में जानना है। आपने जो मणि मुझे दी थी महागुरु, उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा लिया है। क्या? और अब देखिए, शक्तिमान, यही है तेरा शहर जहां तुझे देखा गया है कई बार, मगर आज के बाद तू यहां कभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि आज तुझे मिट जाना है द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल के हाथों। आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा शक्तिमान, कोई नहीं बचा पाएगा। एक बार, बस एक बार मेरे सामने आ। पावर! ए मणि, मुझे इस शहर को सुरक्षा कवच से ढकना है। इस पूरे शहर को सुरक्षा कवच से ढक दे मणि, सुरक्षा कवच बना दे। पावर! पावर!
शक्तिमान, अब इस सुरक्षा कवच की दीवार को भेद कर तू इस शहर से बाहर नहीं जा पाएगा और इस शहर के अंदर रहकर मेरे हाथों बच नहीं पाएगा। अब तुझे भुलाने का सही वक्त आ गया है शक्तिमान, और तुझे भुलाने के लिए क्या करना चाहिए ये जैकॉल को अच्छी तरह से मालूम है। शक्तिमान बाहर निकल कायर, आज तेरी मौत बनकर आया हूं मैं। अगर तू बाहर नहीं आया तो सारे शहर को कब्रिस्तान बना डालूंगा। बाबा को ढकने वाला यह गुंबद कैसा है? इतनी मजबूत दीवार, अगर शहर को इतनी मजबूत दीवार वाले गुंबद से किसने ढका होगा और क्यों ढका होगा? ये दीवार सचमुच बहुत मजबूत है। तबाही, कौन मचा रहा है ये तबाही? तो ये जैकॉल है, मणि का दुरुपयोग कर रहा है। मुझे इसे फौरन रोकना होगा, मुझे इसे रोकना होगा। शक्तिमान, कहां छिपा है तू बुजदिल? सुना था तुझे तबाही पसंद नहीं है। मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने तू अपनी जान पर खेल कर आता है। अब कहां गई तेरी वो हिम्मत, तेरी वो मर्दानगी? अगर हिम्मत है तो आ, बचा ले इनको, वरना ये सब मेरे हाथों मारे जाएंगे। भावा! शक्तिमान, अपनी शक्ति किरणों को व्यर्थ मत गवाओ। इस मणि की वजह से तुम्हारी किरणों का कोई असर नहीं होने वाला मुझ पर।
तुम्हें और तबाही नहीं करने दूंगा जैकॉल। तबाही तो अब होगी। मुझे ये मणि दे दे। नहीं शक्तिमान, मैं तुम्हें ये तबाही नहीं करने दूंगा। तबाही नहीं रुकेगी। मुझे ये मणि दे दे जैकॉल। कभी नहीं, कभी नहीं। शक्तिमान, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। शक्तिमान, अब तुझे जैकॉल नहीं छोड़ेगा। तूने मुझे गिराया। जैकॉल अब तुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों शक्तिमान, बहुत नाज था ना अपनी ताकत पर? आज कहां गई तेरी वो असीम ताकत जिसके दम पर तू हमेशा अंधेरे को मात देता आया था? कहां गई? बोल बोल, तेरी उस सच की ताकत को मैंने हमेशा के लिए चूर चूर कर दिया है शक्तिमान। और अब तेरे साथ साथ इस दुनिया से भी मैं सच को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। उस वक्त सुड़ों का आग्रह से आए परग्रहियों के सामने जब मैं तेरे शरीर की सारी ताकत को खींच रहा था, तब मुझे धोखा देकर बच गया था तू। मगर आज तू बच के नहीं जा सकता शक्तिमान। तेरी सारी ताकत को खींच कर इस मणि में भर लूंगा मैं। और फिर तेरी ताकत अंधेरे की ताकत बन जाएगी। ए मणि, इसकी सारी ताकत को अपने अंदर खींच, अपने अंदर खींच, खींच। Oh,
अहम् प्रवक्ष्यामि नलीचेतनादिकम् सहस्रनाम सकलम् कुण्डलिन्या प्रियं सुखम् अष्टोत्तरम् महापुण्यम् साक्षात्सिद्धिप्रदायकम् ये मणित्री इतनी भारी कैसे हो गई? मैं इसे उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ? ये इतनी भारी कैसे हो गई? मैं इसे उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ? त्रैलोक्यम् पाति सर्वदा तस्या नाम सहस्राणि अष्टोत्तरशतानि। शक्तिमान तुम? हाँ मैं। सिर्फ ताकत को हासिल करने से ही कुछ नहीं होता जयकौल, ताकत को संभालने की काबिलियत भी होनी चाहिए। तुमने मेरी ताकत को मणि के अंदर खींचकर मणि की ताकत को तो बढ़ा दिया, मगर उसे तुम संभाल नहीं पाए। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे जैसा हर अपराधी जो सच्चाई का दुश्मन है, सच की ताकत को नहीं संभाल सकता। क्योंकि सच की ताकत को संभालने के लिए जो भावना होनी चाहिए वो तुम जैसे अपराधियों में नहीं है। अब चलो मैं तुम्हें वहीं ले चलता हूं जहां से तुम भागे थे जयकौल। शहर में तबाही फैलाकर लोगों को आतंकित करने वाले शैतान साइंटिस्ट को एक बार फिर मैं कानून के हवाले कर रहा हूं। थैंक यू शक्तिमान। मगर ध्यान रहे इंस्पेक्टर, हवालात से कानून को तोड़कर भागने वाला ऐसा एक अपराधी समाज में फैले 10 अपराधियों का मनोबल बढ़ा देता है। मैं समझ सकता हूं शक्तिमान, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब ये कानून के शिकंजे को तोड़कर यहां से भाग नहीं पाएगा। तो ठीक है, फिर मैं चलता हूं। ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जयकौल, दोबारा यहां आना कैसा लग रहा है तुम्हें? और अब तो तुम ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। शहर में तूने जो तबाही मचाई है उसके सैकड़ों चश्मदीद गवाह हमारे पास है जो अदालत में तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। और दूसरा, हवालात से भागने का जुर्म तो तुम कर ही चुके हो, अब कानून के शिकंजे को तोड़कर तुम्हारा यहां से जाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है जयकौल, बहुत मुश्किल है। ले जाओ इसे। मगर शक्तिमान से मैं पूछना ही भूल गया कि शहर में इतनी बड़ी तबाही मचाने की शक्ति जयकौल में आई कहां से? लगता है पहले मैंने कहीं तुम्हें देखा है। अरे तुमने पहचाना नहीं? तुमने मुझे पुलिस से बचाया था अपने उस मणि की ताकत से। मणि? कौन सी मणि? वही मणि जिसके बल पर तुम गायब हो जाते थे। गायब? गायब? फिर वही गायब? तुम भी यही कहते हो, पुलिस वाले भी यही कहते हैं। अरे आदमी भी कभी गायब हो सकता है? लगता है तुम सब लोग मिलकर मुझे पागल बना दोगे। तो इसका मतलब इसे पकड़ने के बाद शक्तिमान ने इसके दिमाग से मणि की बात को भुला दिया है। मगर क्यों? कहीं शक्तिमान और मणि के बीच कोई रिश्ता तो नहीं?
अगर ऐसा है तो मैं इसकी याददाश्त को वापस लाकर ये जानकर रहूंगा कि इसने मणि को हासिल कहां से किया है। शायद वो जगह है घर ही हो शक्तिमान का। मणि से आगे की कहानी जानने से पहले मुझे इसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर लेनी चाहिए ताकि फिर कभी कोई इस तक ना पहुंच सके। अब ये अदृश्य ही रहेगी, तब तक अदृश्य रहेगी जब तक मैं इसे देखना न चाहूं। अब ये यहां सुरक्षित रहेगी, इस तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। मणि, उस मणि को मैं हासिल करके रहूंगा शक्तिमान, हासिल करके रहूंगा। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। दुखी मन मेरे, ये लो खाना। उस मणि तक पहुंचने का सुराग भी मुझे इसी के जरिए मिल सकता है। ओए, आप उनको देख के क्या बड़बड़ा रहे बे? तू पागल हो गया क्या? जब देखो अपुन को देख के बड़बड़ाता है, कभी हंसता है, तू है कौन? देखो, तुम्हारा ये नाटक पुलिस वालों के सामने चल सकता है, मेरे सामने नहीं। तुम मुझे अच्छी तरह से पहचानते हो। अच्छा? अरे मेरे बाप, मेरी माँ, मैंने तुझे कभी नहीं देखा, मैं तुझे नहीं जानता, तेरे खानदान को नहीं जानता, मैं तुझे पहली बार देख रहा हूँ। मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मुझे चुपचाप खाना खाने दे यार। अरे मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस मणि के रहस्य को अच्छी तरह से जानता हूँ जो तुम्हारे पास थी। मणि? कौन सी मणि, कैसी मणि, कहाँ की मणि? मैं किसी मणि के बारे में नहीं जानता। वही मणि जिससे तुम उड़कर कहीं भी गायब हो जाया करते थे, वही मणि जिससे तुमने कार को भी गायब कर दिया था, और उसी कार से मैंने तुम्हारी उस मणि को चुराया था। तुम्हारी मणि तुम्हारे हाथ से चले जाने के बाद ही शक्तिमान तुम्हें पकड़ पाया था। उसी मणि की बात कर रहा हूँ मैं। गाड़ी मैंने गायब कर दी थी। हाँ। अच्छा, मैं उड़ भी रहा था। हाँ। अरे यार, तुम सब लोगों को क्या हो गया है? वो शक्तिमान भी यही कह रहा था कि मैंने गाड़ी गायब कर दी, जबकि वो जानता है कि मैंने गाड़ी चोरी की थी। अरे वो लड़की जिसकी गाड़ी चोरी हुई थी वो भी बोल रही है कि मैंने गाड़ी गायब की थी। अरे और तो और, वो तुकाराम और बिंदे वो भी यही कह रहे हैं, और अब तुम भी यही कह रहे हो। हाँ, क्योंकि तुमने उस कार को गायब किया था। अरे अगर अपुन ने गाड़ी को गायब किया था तो अपुन को याद क्यों नहीं है? देखो देखो, भूलने का ड्रामा मत करो,
तुम्हारे पास एक एक ये इतनी बड़ी मणि थी जिसके जरिए तुम सभी चीजों को गायब करते थे, याद है? अरे मणि, फिर वही मणि। अगर दोबारा मणि के बारे में बोला ना, अपन कान के नीचे एक लगाएगा। आज शपथ, अपन को मणि के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो क्या शक्तिमान ने सचमुच इसके दिमाग से मणि की बात को मिटा दिया है? मिटा दिया? ये क्या पेंसिल से लिखा गया था जो रबर से मिटा देगा? और शक्तिमान क्या इस बात को मिटा सकता है? हाँ, उसने ऐसा ही किया है। मगर क्यों? शक्तिमान मणि वाली बात को मेरे दिमाग से मिटाएगा क्यों? ताकि तुम उस मणि तक दोबारा पहुंचने की कोशिश न कर सको। मगर ऐसा होगा नहीं, तुम्हारी यादाश्त को वापस मैं लाऊंगा। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है हम दोनों का इस हवालात से बाहर निकलना। हम लोग निकल सकते हैं क्या? तुम्हारे जरिए। मेरे जरिए? तुम्हारे खाने में जहर मिला हुआ है। हाँ। और उसे खाने के बाद तुम बेहोश जो हो जाओगे। खाने में जहर? अरे मार डाला रे, अरे मार डाला, नवरंगी को जान से मार दिया। अरे पुलिस ने जहरीला खाना खिलाकर नवरंगी को जान से मार दिया रे। अरे बचाओ, अरे कोई डॉक्टर है? बचाओ बचाओ, ये पेट का दर्द तो मेरी जान ले रहा है। अरे मार दिया, एक आदमी को जान से मार दिया, कोई डॉक्टर को बुलाओ। क्या हुआ है? क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? फूड पॉइजन, खाने में जहर। अरे नवरंगी मर गया, इसके खाने में जहर मिला हुआ था, फूड पॉइजन हो गया। अब मेरी जान को भी खतरा है, पुलिस ने इसको 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 जान से मार दिया। क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, ये जहरीला खाना खिलाकर इसको मार दिया। अब मेरी बारी है। ताला खोलो। जेकॉल, जेकॉल, कुछ बोलते क्यों नहीं जेकॉल? पता नहीं क्या हो गया जेकॉल। थैंक गॉड, सांस तो चल रही है। नवरंगी, 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 ये भी कुछ नहीं बोल रहा। और सांस तो इसकी भी चल रही है। सर एम्बुलेंस को बुलाऊं? नहीं, इतना समय नहीं है, इसके पहले कि एम्बुलेंस आए इन्हें अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। चलो उठाओ, लेकर चलो इन्हें, जल्दी करो। अगर इंस्पेक्टर, वरना खतरा बहुत बढ़ जाता था, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, ये दोनों जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप सब लोग बाहर चले प्लीज। लेकिन डॉक्टर साहब, शायद आपको नहीं मालूम कि ये दोनों शातिर बदमाश हैं। ये जयकॉल जो अभी थोड़े दिनों पहले हवालात से भाग निकला था, ये नवरंगी एक नंबर का शातिर चोर है, इसलिए पुलिस की मौजूदगी यहाँ बहुत जरूरी है। वेल, सिक्योरिटी का इंतजाम आप कमरे के बाहर कर सकते हैं इंस्पेक्टर, लेकिन यहाँ कोई नहीं रह सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए आप। प्लीज, ये लोग इस वक्त अपराधी से ज्यादा मेरे मरीज हैं, इसलिए आप लोग बाहर चले प्लीज। प्लीज, ओके प्लीज। सुनो,
तुम लोग यही रहो, मैं हेडक्वार्टर से बात करके अभी आता हूँ। और हाँ, होशियार रहना, क्योंकि जयकॉल हमें एक बार चकमा देकर भाग चुका है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके? यस सर। कहाँ? चिल्लाना मत तुम। हाँ, लेकिन हम लोग तो हवालात में थे, यहाँ कैसे आ गए? पुलिस वाले और डॉक्टर यही समझ रहे हैं कि हम फूड पॉइजन के कारण बेहोश हुए थे। इससे पहले कि उन्हें असलियत का पता चले, हमें यहाँ से फरार हो जाना चाहिए। फरार? लेकिन हाँ, क्यों? तुम हवालात में पड़े पड़े सड़ना चाहते हो क्या? हाँ, नहीं, चलो चलो यहाँ से चलो। कोई आ रहा है, चुपचाप लेट जाओ, चुपचाप लेट जाओ। आपको होश आ गया? हाँ, मुझे तो होश आ चुका है, लेकिन अब तुम्हें बेहोश होना है। अब तुम जल्दी से नर्स के कपड़े पहनो। नर्स के कपड़े? हाँ, हम दोनों को इस डॉक्टर और इस नर्स के कपड़े पहनकर यहाँ से निकलना होगा। लेकिन मैं क्यों पहनूं? तुम पहनो ना। अरे बेवकूफ, मेरी दाढ़ी है, मैं सिर्फ डॉक्टर बन सकता हूँ। तुम क्लीन शेव्ड हो, तुम नर्स के कपड़े पहनो, कम ऑन क्विक। ये बताइए, इंजेक्शन किसको लगाना है? इंस्पेक्टर को, मगर जरा होशियारी से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा। चले? डॉक्टर साहब। यस, कहिए। अब वो दोनों कैसे? ठीक हैं। मेरा मतलब है, दोनों ठीक हो जाएंगे। अभी ये बेहोश हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें होश आ जाएगा। ओ, ठीक है डॉक्टर। और उनके होश में आते ही तुम्हारे होश उड़ जाएंगे इंस्पेक्टर। इस खबर को सुनकर मुझे सचमुच ऐसा फील हो रहा है डैड, कि जैसे मॉम अब थोड़ी बदलती जा रही हैं। उनकी ईगो भी पहले से काफी कम हो चुकी है, और अब वो दूसरों की फीलिंग्स को समझने लगी हैं। वरना वो मेरे लिए मेरे इंटरेस्ट का बिजनेस कभी शुरू नहीं करके देती। मेरे ख्याल से डैड, आपको कुछ दिनों के लिए यहाँ मॉम के पास आ जाना चाहिए। हो सकता है यहाँ आपके कुछ दिनों तक रहने से आप दोनों फिर से साथ साथ रहने का मन बना लें। और अगर ऐसा हुआ डैड, तो इससे बढ़िया बात मेरे लिए हो ही नहीं सकती। डैड, मुझे आप दोनों का प्यार एक साथ चाहिए, एक ही जगह। मानसी, मानसी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्या मॉम? हरीश ने तुम्हें ऑफिस के लिए जगह बताई और तुम्हें पसंद नहीं आई? यस मॉम, मामू ने कल मुझे एक बहुत ही अजीब सी जगह दिखाई थी, और वैसी जगह पे मैं अपने कॉमिक्स का ऑफिस कैसे खोल सकती हूँ? मैंने वो जगह देखी है मानसी, ऑफिस के लिए वो बहुत अच्छी जगह है। मम्मी, ऑफिस मुझे खोलना है, आपको नहीं, और वो जगह मुझे पसंद नहीं। वो जगह ऑफिस के लिए बहुत अच्छी है मानसी, तुम्हें अपना ऑफिस वहीं खोलना चाहिए। मैं वहाँ ऑफिस नहीं खोलूंगी। क्या? लो, फिर ठन गई दोनों में। इसका मतलब है आप में कोई बदलाव नहीं आया मॉम, मैं आपको गलत समझती रही।
अब मेरी समझ में आया कि कॉमिक्स का बिजनेस करना तो सिर्फ एक बहाना था मुझे इंडिया रोकने का। असलियत तो यह है कि आप अब भी वैसी की वैसी ही हैं। आप बिल्कुल नहीं बदली, अपनी इच्छाओं को दूसरों पर थोपने वाली। मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं ये बिजनेस नहीं करूंगी, मैं डैडी के पास जाऊंगी। तो मुझे गलत समझ रही हो बेटी, वो जगह ऑफिस के लिए अच्छी है। ये सिर्फ मेरी इच्छा नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सालों मैंने बिजनेस अकेले संभाला है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि वो जगह ऑफिस के लिए बहुत अच्छी है। और अगर वो जगह तुम्हें पसंद नहीं है मानसी बेटे, तो कोई बात नहीं है, ऑफिस वहीं खुलेगा जो जगह तुम्हें पसंद होगी। क्यों दीदी? और तुम्हारी पसंद की जगह मैं ढूंढ कर दूंगा। अब तो खुश होना बेटे, खुश होना। और अब कहानियों के लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, लगभग हमें कहानी मिल गई। क्या? हाँ, ये लो। मॉम, ये तो शक्तिमान के कारनामों की न्यूज़ है। इसी न्यूज से तो कहानी बनेगी बेटा। वो तो ठीक है, लेकिन इस न्यूज से एक कंप्लीट स्टोरी बनाएगा कौन? अरे भाई, गंगाधर जी बनाएंगे। वो? हाँ, क्योंकि इन कारनामों की न्यूज गंगाधर लाया था एक पत्रकार गीता विश्वास के साथ मिलकर। गीता विश्वास? हाँ, सबसे पहले शक्तिमान को देखने वाली पत्रकार गीता विश्वास थी। वो गंगाधर तो बाद में जुड़ा उससे। मॉम, इन दैट केस हम लोगों को ये कहानी गीता विश्वास से लिखवानी चाहिए ना? बेटा, ये तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन गीता विश्वास इंडिया छोड़ के अमेरिका जा चुकी है। ओह नो, फिर तो एक काम करना पड़ेगा, गंगाधर को आज ही काम पर लगा देना पड़ेगा हमें। मामू, मैं उनसे अभी के अभी बात करना चाहती हूँ, जरा नंबर देना, फोन नंबर। नंबर? ओ हाँ, मेरी डायरी में है ना, मैं निकाल दूँ ना। अरे, मैं डायरी तो नीचे फोन करते समय भूल आया। क्या मामू, आप जब देखो कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं, जैसे कल गाड़ी की चाबी भूल गए थे। जाइए, नंबर लाइए प्लीज। हाँ। मॉम, एक काम करती हूँ, मैं गंगाधर को फोन करके घर पे ही बुला लेती हूँ। ओके, ठीक है। मानसी बेटे, ये रहा गंगाधर का नंबर। बेल बज रही है, कोई उठा नहीं रहा है। फिर से लगाओ बेटा। बचती जा रही है। वैसे बेटा, सिर्फ गंगाधर के बारे में नहीं, ऑफिस के और भी स्टाफ के बारे में सोचो। एक के बारे में तो मैंने सोच लिया है। कौन? सुधांशु। वो कौन है? आज की आवाज का चीफ एडिटर था और गंगाधर का दोस्त है। उसी के कहने से गंगाधर ने मुझे शक्तिमान की फोटोग्राफ ला कर दी थी। तो एक काम करते हैं, आज शाम को उसे भी घर पर बुला लेते हो। ओके। Thank you.
जी। जी आप गंगाधर जी बोल रहे हैं ना? जी बोल तो हम दोनों रहे हैं, पर आपको हमारा नाम ज्ञात है और हमको आपका नाम ज्ञात नहीं है। आप कौन बोल रही हैं? मैं मानसी बोल रही हूँ। ओ कॉमिक्स वाली देवी जी, कहिए दूरभाष यंत्र से अपनी ध्वनि संप्रेषित कर कर आप हमें क्या व्यक्त करना चाहती हैं? क्या 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 कहा आपने? हमारा तात्पर्य ये है कि फोन क्यों किया आपने? वो क्या है ना गंगाधर जी, मैं आपका फोन काफी टाइम से ट्राई कर रही थी, सिर्फ रिंग बजती जा रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। देखिए मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप फौरन यहाँ पे आ जाइए प्लीज। जी जी अभी अभी तो शाम होने को है। तो क्या हुआ? देखिए मैंने कुछ और लोगों को भी बुलाया है और मैं चाहती हूँ कि आप भी आएं, मुझे बहुत जरूरी काम है, प्लीज आप आएंगे ना? ठीक है हम आते हैं फिर अभी। थैंक यू गंगाधर जी। जी मेंशन नॉट, मेंशन नॉट। चलो ये तो आ रहा है। चलो देखते हैं किस तात्पर्य से बुलाया है हमें। शक्तिमान 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 होता है जब आदमी को अपना ज्ञान कहलाया वो शक्तिमान 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 शक्ति